सर्दियों के मौसम में ना मटर बहुत बढ़िया आ रही है। अगर आप आलू बैंगन बनाना सोच रहे हैं ना, तो इस तरह से अगर आप आलू बैंगन मटर बना देंगे ना, तो खाने का स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। एक बैंगन लिया है, और ये आज मैंने बड़े वाला बैंगन लिया है। अगर आपके पास लंबे बैंगन हो आप उससे भी रेसिपी बना सकते हैं। और ये ग्राम के हिसाब से 300 ग्राम है, और ये हल्का बैंगन लें, थोड़ा चेक भी कर लें ख़राब ना हो। अब इसको मैंने पहले वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद पहले मैंने इसके दो भाग कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी डंडी हटा भी सकते हैं, ठीक है, और बीच में से भी एक भाग और कर देंगे जो कि काटने में आसानी हो। हम इसी ढंग से सारे बैंगन को लंबा लंबा काट रहे हैं। जैसे मैं काट रही हूँ ना, इसे पानी में डालती जाऊंगी क्योंकि ये काले पड़ जाते हैं। देखिए, मैंने पहले ही बैंगन को काट लिया है। अगर आप बाद में काट रहे हैं तो आप नमक ना डालें। मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ क्योंकि अभी हम इसका मसाला तैयार करेंगे, तब तक ये अच्छे से ना वाइट ही रहेंगे, काले नहीं बिल्कुल पड़ेंगे। देखिए, 4 ही मैंने आलू लिए थे, और ये भी ना ग्राम के हिसाब से 400 ग्राम के करीब आलू थे। और इसको वॉश करने के बाद आज इसको भी मैंने लंबाई काटा है। बैंगनों को लंबा काटा है तो इसको भी लंबाई काटा है। पानी में भिगो दिया, काले ना पड़े। अब पतीला ले लेंगे, गैस ऑन करेंगे। मैं इसको बनाऊंगी स्मोक मस्टर्ड ऑयल में। सरसों के तेल को तेज गर्म करके मैंने ठंडा कर लिया था, मैं उसमें बनाने जा रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डालें, थोड़ा सा डालें, उसे गर्म कर लें। देखिए, 2 चुटकी तो मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ सौंफ। 1 टीस्पून डाल रही हूँ जीरा। अच्छे से पहले इन सब चीजों को भूनने देंगे। देखिए, 6-7 मैंने लहसुन की कलियां ली थी, छीलने के बाद छोटा छोटा काट लिया था, वो इसमें डाल देते हैं। अब इसे थोड़ा चला देंगे। 1 प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक काट के लिया है, वो इसमें डाल देते हैं। थोड़े से अदरक को मैंने पतला और लंबा काट के लिया है। देखिए, आप चाहे तो अदरक को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। 2 इसमें मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ जिसको मैंने छोटा छोटा काटा है। अब इन सब चीज़ों को हम भून लेते हैं 4 से 5 मिनट तक। 5 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, आप स्वाद अनुसार डालें। मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसमें आलू डाल देते हैं। एक से दो मिनट तक भून लें। चार पांच मिनट इसको हम लो मीडियम फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। देखिए, 4 से 5 मिनट हो गए हैं। देखिए, आलू को हमने थोड़ा मोटा मोटा काटा है ना, इसलिए हमने पहले 4 से 5 मिनट तक आलू को थोड़ा ढककर पकाया है कि थोड़े ये सॉफ्ट हो जाएं। देखिए, ट्रांसपेरेंट से होने शुरू हो गए हैं। बाकी चीज़ों के साथ भी अब ये पकेंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं बैंगन। कि मैं इसमें 2 सूखी लाल मिर्चें भी डाल रही हूँ। अब इसके साथ मैं डाल रही हूँ मटर। मैंने थोड़ी सी मटर ली है, अगर ग्राम से देखें तो ये 250 ग्राम के करीब मटर है, और ये ताजी फ्रेश मटर है। हम इसमें डाल देते हैं, और पहले तो सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम कुछ और मसाले भी डाल देते हैं। जैसे 1 टीस्पून लाल मिर्ची डाल रही हूँ, और ये कम तीखी वाली है, और 1 टीस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर। 2 टमाटर को मैंने छोटा छोटा काट के लिया है, वो इसमें डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स करें। गैस को मैं थोड़ा सा भी तेज कर रही हूँ मिक्स करते हुए। वैसे तो बैंगन भी अपना पानी रिलीज करेंगे, और हमने जो टमाटर डाला है उसका भी जूस है, लेकिन थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ। देखिए, 1/4 कप ही पानी डाला है मैंने इसमें, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अच्छे से बस मिक्स कर देना है।
अब इसको लो मीडियम फ्लेम पर हमने ढककर पकाना है तब तक जब तक कि सारी चीजें अच्छे से पक नहीं जाती, लेकिन बीच में एक दो बारी चला जरूर देंगे। बाकी चीजें हम बाद में डालेंगे जब ये सब चीजें गल जाएंगी। 10-15 मिनट हमने इसको ढककर पकाया है। ये देखिए, दो तीन बार इसको हमने बीच में चला दिया था। देखिए बहुत बढ़िया से हमारे आलू बैंगन बने हैं और मटर भी। देखिए आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं, पक चुके हैं। बैंगन तो आपको दिख रहे हैं और मटर भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। जब ये सब चीज़ें अच्छे से गल जाएं तो आप डालें 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून डाल देंगे गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ अमचूर, थोड़े से मैं इसमें डाल रही हूँ सफ़ेद तिल, 1/2 टीस्पून है ये, और बहुत सारा डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। गैस को बंद कर देंगे। ये बनकर तैयार है। आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, चपाती परांठा किसी के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और हम जल्द हाजिर होंगे एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।